बिहार कैमूर भभुआ से पिंटू तिवारी पत्रकार की रिपोर्ट पीएचसी से गायब बच्चे को लेकर नाराज परिजनों ने भाकपा माले कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यालय पर दिया धरना प्रदर्शन। खबर बिहार के कैमूर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पिछले 5 फरवरी को चैनपुर पीएचसी से एक महिला का प्रसव के बाद बच्चा गायब होने का मामला प्रकाश में आया था, जहां बच्चे का गायब होने से नाराज परिजनों ने भाकपा माले कार्यकर्ताओं के साथ शनिवार को शहर में विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। परिजनों द्वारा बताया गया कि चैनपुर पीएचसी में 5 फरवरी को कुकुली कुंडी गांव निवासी जीवन बेन की पत्नी अनीता देवी का प्रसव चैनपुर पीएचसी में हुआ था, जिसके बाद कंचन देवी नामक नर्स पर बच्चा गायब करने का आरोप लगाया गया। इसके बाद चैनपुर थाने में आवेदन के माध्यम से सूचना भी दिया गया था, लेकिन नर्स पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है। वहीं 6 फरवरी को भभुआ चैनपुर पथ पर सारनपुर गांव के पास सड़क जाम किया गया था। उसके बाद प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंचकर आश्वासन दिया गया कि इस मामले को लेकर जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आज तक इस मामले को लेकर कोई सुनवाई नहीं हुआ, नहीं बच्चा मिला, जिसको लेकर शहर में विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया है। अगर इस मामले को लेकर प्रशासन नहीं जांच करते हैं, तो आगे भी बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं भाकपा माले जिला सचिव विजय यादव ने बताया कि इस मामले को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और प्रशासन द्वारा दबाया जा रहा है। इस मामले में मेडिकल टीम बनाने का नाटक हो रहा है, जो अभी तक मामले का कोई सही जवाब नहीं मिला। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस केस में पुलिस से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक सभी मिले हुए हैं, जो अभी तक इस मामले का कोई सुनवाई नहीं हुआ। इस मामले को लेकर अगर प्रशासन द्वारा एक्शन नहीं लिया गया, तो आगे भी आंदोलन किया जाएगा। भाकपा माले कैमूर जिला सचिव में विजय यादव, आज धरना प्रदर्शन का खास बिंदु ये है कि चैनपुर कुकरी कुंडी के अनिता देवी के बच्चा जो हॉस्पिटल में चैनपुर हॉस्पिटल में हुआ और बच्चा गायब हो गया और उसे फेंक दिया गया उसके नैहर, और पूरे प्रशासन यहाँ तक कि मेडिकल सदर हॉस्पिटल पीएचसी और कैमूर का पुलिस प्रशासन, ये तमाम मिल करके उस मामले को रफा दफा करना चाहता है। मेडिकल टीम बनाने की नाटक हो रहा है। हम इस सवाल पर आज बैठे हुए हैं, ये घटना इस यहाँ के मामला में नहीं है, जो आईओ है वो मिला हुआ है, जो वहाँ का सीएससी का प्रभारी हो मिला हुआ है, यहाँ के किरण सिंह जो मेडिकल प्रभारी हैं वो मिली हुई हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा कोई विश्वास नहीं है। मेडिकल जांच अनिता देवी का पीएमसी पटना कराया जाए और इस पूरे घटनाक्रम का बिहार सरकार उच्च स्तरीय जांच कराए। इस सवाल को लेकर के हम आज धरना पर बैठे हुए हैं। यदि हमारी मांगे मांगी नहीं जाएगी, तो इसको लेकर के हम आगे और आंदोलन करेंगे। आपका क्या नाम है? विजय यादव, भाकपा माले कैमूर जिला सचिव।